ये दुनिया ये मस्ती ये अदा भी कह रही है, जरा मुस्कुरा दो, मैं आ गया हूँ, मैं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। और एंटरटेनमेंट झटके देने आ रहा है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट को झटका देता है, आम जनता को टक्कर देती है, नेता नेता को टक्कर देता है, स्टार स्टार को टक्कर देता है। जिसकी जहाँ जुगड़ होती है वो वहाँ टक्कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं टक्कर वाला भी मजबूत होना चाहिए, तभी तो लड़ाई का मज़ा दमदार होता है। भाई बिग बॉस आ रहा है, आज आ रहा है, और चर्चाएं इतने दिन से चल रही हैं कि बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस आ रहा है। आखिरकार बिग बॉस दस्तक देने के लिए आज तैयार हो चुका है। बिग बॉस के प्रोमो आते ही भाई स्टार प्लस ने धड़ाधड़ 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 प्रोमो दे दिए, नई कहानी बता दी कि ये होने वाला है। ऐसे में स्टार प्लस के, मैंने पहले ही बोला था, अगर आप मेरी लाइव में जुड़े हुए हैं, अगर स्टार प्लस प्रोमो दे देगा सारे शो के, तो समझ जाना बिग बॉस का झटका से डर रहा है। तो ऐसे में भाई ये साबित हो गया, फिर चाहे बातें अनकही सी का आए, ये रिश्ता का आए, अनुपमा का आए, या फिर आपका प्यारा सा एक शो का हो रहा है था, हाँ कह दूँ तुम्हें, जो एक हॉरिबल शो सीरीज़ जो रात में देख रहे हैं उस शो का आ गया है यार जो है, और गुम है किसी के प्यार का भी आ गया है। ये न्यूज़ हमने आपको कई दिन पहले दे दी थी कि बिग बॉस के आने से कौन कौन से शो डगमगाने वाले हैं। काफ़ी फैंस तो कह रहे थे कि बिग बॉस लेट आता है, हमारा शो अर्ली टाइम में, तो असर कैसे पड़ेगा यार। पोजीशन जो बनी हुई है ना तुम्हारी नंबर टू की, जिससे आप नहीं हिला पा रहे हैं, जो नंबर टू पे जम के बैठे हैं या नंबर वन पे, उन्हें हिलाने आ रहा है बिग बॉस। अच्छा लगता है जब कोई नया शो आता है तो जो है रनिंग शो जो है अपने आप को न्यू अपडेट में डाल देते हैं। भाई राजन साई है, अपने शो में इतना ट्विस्ट डालेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिग बॉस देखें या फिर हम ये शो देखें। भाई वैसे अनुपमा में लीप आने वाला है, 5 साल का लीप आएगा, डिम्पी का बच्चा नजर आएगा, अनुपमा उसके साथ होगी और मान अलग होंगे। सोशल मीडिया की न्यूज़ है, हमने कोई जाकर नहीं देखा है कि राजन साई वाकई ये कुछ करने वाले हैं। खेल का मज़ा जब ही आता है जब सामने वाले में दम हो, नहीं तो पता ये यार आते जाते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए बिग बॉस ने जो है बहुत अच्छी पॉलिसी अपना ली है, जहाँ पे वो जो है अपने शो में रनिंग के शो के पॉपुलर सितारों को लेके आता है। ऐसे में भाई अंकिता लोखंडे आ रही है, उनके पति जय विक्की जैन आ रहे हैं। भाई उनके पर्सनल लाइफ के जानने के लिए इतने एक्साइट नहीं है, पर्सनल लाइफ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है फैन। अंकिता की लव स्टोरी कैसे ख़त्म हुई, दूसरी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, कहाँ पे उनका सफ़र था, कैसा उन्हें फील हुआ, ये सब जो हैं आपको दिखाने वाले हैं। और ऐसे में फिर बिग बॉस कैसे छोड़ेंगे आप? फिर आते हैं आपके ऐश्वर्या और नील भट्ट, जो सोशल मीडिया में एक अच्छे कपल का अवार्ड लेते हैं। ऐसे में पता चलेगा बिग बॉस में जब खुलेंगे राज की, ऐसा क्या हुआ था गुम है किसी के प्यार में कि जो है आयशा और ऐश्वर्या की हो गई थी फाइट। ये दोनों एक्साइटेड मैट में हैं। फिर आ रही है आपकी जैस्मीन उफ आपकी ईशा मालविया। जब ये आएंगे तो आप सोचिए कि यार वो बताएगी कि उड़ारियन में उन्होंने सेकंड राउंड में भी सफ़र किया, माँ का रोल निभाया, लेकिन रवि दुबे ने उन्हें धोखा दे दिया। यार मज़ा आएगा जब आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में झांकेंगे या मज़ा लेने के लिए एक्साइटेड होंगे। ऐसे में और भी बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन मेरे माइंड में फ़िलहाल इन्हीं सितारों की बात आई है। वैसे तो मैं पता है किसको देखना चाहती थी, जो है लप्पू सा वो सचिन है, क्या है वो सचिन, यानी कि समझ ही गए हैं। और आपके प्यारे से मैं जो देखना चाहती थी वो है आपके प्यारे से हर्षद चोपड़ा और जैसो, इन्हें मैं, और स्पेशली आयशा सिंह को। चलिए इनमें से देखते हैं कौन आता है। फ़िलहाल तो जय सोनी को पूरा प्रेशर दिया जा रहा है, देखते हैं जय सोनी मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपके अभी मन्यू के जो भाई जी थे वो, अब बात आ
पार्टी है यार कि स्टार प्लस के शो का धमाका क्या होने वाला है। भाई राजन साई अपने शो को पूरा नया करने वाले हैं। आपके अनुपमा को बहुत हो गया ये इधर उधर के ड्रामे सब कुछ, और 5 साल का लीप आएगा तो भाई देखिए फिर लोग सोचेंगे मान कैसे अलग हुए, ऐसा क्या हो गया था, क्या भाई अनुज की माँ ने जहर घोल दिया जो अनुज इतना बदल गया, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे में देखते हैं भाई अनुपमा का चार्म वही लोगों के दिलों में रहेगा या फिर बिग बॉस का गुरूर दिमाग में चढ़ेगा। फिलहाल तो साफ लग रहा है कि देखिए स्टार प्लस ने सारे अपने पॉपुलर शो का प्रोमो दे दिया है, गुम का भी दे दिया है, रिश्ता का भी दे दिया है, अनुपमा का भी दे दिया है, बातें कहीं सी का भी दे दिया है। तो जो है और आपके जो है कह दूँ तुम्हें कभी दे दिया है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि बिग बॉस की सर्चिंग बढ़ी हुई है। और जहाँ सर्चिंग बढ़ती है ना, आप समझ जाइए यार शो पे बहुत बड़ा जो है रश आने वाला है। अब ऐसे में जो है आपके अनुपमा एट दिस टाइम ट्रैक अच्छा चल रहा है, जहाँ पे भाई जो है बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, बहन सपोर्ट में नहीं है, जो इतना रो रही थी बिखर रही थी, जब सपोर्ट की बात आई नहीं भाई हमने हमारी भी तो फैमिली है, अब जाने वाला तो चला गया, ये आम जिंदगी की भी यही बात होती बातें कहीं सी, भाई एकदम से आपने दे दिया आज, बिल्कुल सब लोगों ने कहा यार ये तो भाग्य लक्ष्मी का प्रोमो उठा के दे दिया बातें कहीं सी में, सेम भाग्य लक्ष्मी की कॉपी कर दी भाई, जय सोनी जी क्या बात है, भाग्य राजन साई जी क्या भाग्य लक्ष्मी देखते थे भाई। लोगों का अपना अपना रिव्यू है, ये सारी बातें तो मैं लाइव में करूँगी किसके क्या क्या रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिग बॉस की फर्स्ट टीआरपी क्या निकल कर आएगी। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हवा उड़ी भी होती है, हल्ला 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 इतना ज़्यादा होता है, लेकिन टीआरपी इतनी फुस्सी निकल जाती है। आपको क्या लगता है भाई? देखो मुझे जो लगता है ना मैं बता देती हूँ, मुझे टीआरपी ओपनिंग उसकी 1.7 तक लगती है, फिर आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल ओपनिंग टीआरपी उसकी मुझे 1.7 लगती है, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा निकल जाए क्योंकि सभी देखने के लिए एक्साइटेड होंगे कौन कौन आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये अनुपमा को टीआरपी में बढ़ने देगा या अनुपमा वहीं सिमट कर रह जाएगा? देखिए अनुपमा को नंबर 1 से हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि अनुपमा का चार्म लोगों के दिमाग में नहीं दिल में क्या पूरे जो है आँखों पर छाया हुआ है। तो ऐसे में भाई राजन साई अपने शो को इतनी जल्दी नीचे डूबने तो नहीं देंगे, तो इसीलिए जो है बड़ा ही कुछ करने का प्लान है 5 साल का जब लीप दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि स्टार प्लस का प्रेशर पड़ गया राजन साई पे कि आपको कुछ करना है, बिग बॉस आ रहा है, क्या लगता है आपको? ठीक है, एंटरटेनमेंट की दुनिया सब कुछ होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि जैसे आम जनता सोचती है, ऐसा नहीं, आम जनता की तरह ही जिंदगी होती है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।